करके अपने आगे हटाओ, अगर नहीं हटाते हो तो हम तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, एफआईआर लिखेंगे और तुम लोगों को जेल भेज देंगे। तो इसलिए आज हम लोग मेरा अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इनके साथ में इंसाफ हो, इनके साथ में नाइंसाफी न हो, उजाड़ा न जाए। अगर कहीं किसी को हम फंसा नहीं सकते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको उजाड़ें, इसलिए इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने आए हैं इंसाफी न हो। कितने परिवार हैं वहाँ पर? कितने परिवार हैं वहाँ पर? कल्लू मियाँ का तकिया जो कब्रिस्तान है हुसैन बाग बाकरगंज में, वहाँ पर मांझे के अड्डे लगे हुए हैं। ये तकरीबन ये अड्डे लगभग 25 साल से हैं। 25 साल से ये लोग गरीब कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम कर रहे हैं। परसों से किसी ने शिकायत पर पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि आप लोग अड्डे हटाइए और अगर यहाँ से अड्डे नहीं हटाते हैं और काम नहीं बंद करते हैं तो आप लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर लिखी जाएगी, आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब ये तकरीबन 5-6 दिन से इन लोगों ने अपना कारोबार बंद कर रखा है, बेघर हैं, बेरोज़गार हैं, परेशानी की हालत में यहाँ पर आए हैं ज़िला मजिस्ट्रेट के पास में और अपनी फरियाद लेकर के आए हैं कि हमारे साथ में इंसाफ किया जाए। ये तकरीबन 300 परिवार हैं, 300 परिवार पर मुश्तमिल गरीब कमज़ोर लोगों का तबका है, बेरोज़गार हैं। ऐसे लोगों का जो ऐसे जब महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में बेरोज़गार कर दिया जाए तो ये कहाँ की इंसाफ है। तो इसलिए ये सब गरीब कमज़ोर लोग ज़िलाधिकारी के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारे साथ में इंसाफ किया जाए, हमें उजाड़ा ना जाए, हमारे रोज़गार पर जो है लगाम न लगाई जाए और पुलिस को ऐसी हरकत करने से रोका जाए।